नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। लोगों के 56 लाख उड़ाने वाला सह प्रबंधक अरेस्ट। बहुचर्चित चिटफंड कंपनी कैमोना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले के फरार आरोपी दीपक राम को पुलिस ने बागेश्वर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सोसाइटी का सह प्रबंधक था। सह प्रबंधक दीपक राम पर 56 लाख रुपए के गबन का आरोप है। मामले में सोसाइटी के प्रबंधक निदेशक प्रदीप कुमार अस्थाना को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। 5 कछुओं के साथ तस्कर गिरफ्तार। गदरपुर पुलिस ने संरक्षित श्रेणी के 5 कछुओं के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण के अधिनियम तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। थानाध्यक्ष सतीश कापड़ी ने बताया कि गश्त के दौरान पुलिस टीम चेकिंग कर रही, तभी एक युवक प्लास्टिक के कट्टे में संदिग्ध सामान लाता दिखाई दिया। शक होने पर पुलिस टीम जैसे ही उसके नजदीक जाने लगी, आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने पीछा कर आरोपी को पकड़ लिया। CISCE शनिवार को घोषित करेगा कक्षा 10 व 12वीं के परिणाम, जाने कैसे हुआ मूल्यांकन। CISCE बोर्ड के सचिव गेरी अराथून ने शुक्रवार को कहा कि CISCE 10वीं और 12वीं के कक्षा के नतीजे शनिवार को घोषित करेगा। अराथून ने कहा कि कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के परिणाम शनिवार 24 जुलाई को दोपहर 3 बजे घोषित किए जाएंगे। भूस्खलन से केदारनाथ हाईवे बंद, वाहनों की लगी कतार। प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बीते 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। रुद्रप्रयाग में हो रही बारिश के कारण केदारनाथ हाईवे भूस्खलन के कारण देर रात से बंद है। गंगातल के पास रुक रुक कर भूस्खलन हो रहा है, जिसके कारण मलबा और बोल्डर सड़क पर गिर रहे हैं। इस दौरान दो तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। लोक निर्माण विभाग की ओर से JCB मशीन की मदद से मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। शराब न देने पर सिपाही ने दुकानदार का सिर फोड़ा। शराब की बोतल नहीं देने पर सिपाही और उसके दो साथियों ने दुकानदार का सिर फोड़ दिया। पीड़ित दुकानदार के भाई की तहरीर पर पटेल नगर कोतवाली में आरोपित सिपाही और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर राणा ने बताया कि सिपाही अमित तोमर के साथ उसके परिचित अनुज त्यागी निवासी सिंगल मंडी वही करने के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अनुज को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं SS योगेंद्र सिंह रावत ने घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपी सिपाही निलंबित कर दिया है। चारधाम यात्रा शुरू करने पर गंभीरता से हो विचार, प्रेमचंद अग्रवाल। CM पुष्कर सिंह धामी से विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने गुरुवार को बीजापुर अतिथि गृह में मुलाकात की। उन्होंने CM से विभिन्न विषयों पर चर्चा की और चारधाम यात्रा शुरू करने की अनुमति के लिए गंभीरता से विचार करने की बात कही। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि तीर्थाटन और पर्यटन उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ है। उनके साथ परिवहन व्यवसाय से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी CM से मुलाकात की। नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसकी अश्लील वीडियो बनाने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। बता दें कि मामला ऋषिकेश कोतवाली का है, जहां एक पिता की शिकायत पर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। किशोरी और उसके पिता ने युवक पर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने और धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया कि बीती 23 अप्रैल 2021 की शाम जब उसकी बेटी दुकान से लौट रही थी, तो क्रंचू ने उसे अपनी कार में बिठा दिया। बात करने के बहाने वह उसे लक्कड़ घाट रोड पर ले गया, जहां डरा धमका कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरोप है कि 18 जुलाई 2021 को क्रंचू ने फिर से नाबालिग को अपने साथ चलने के लिए दबाव बनाया। साथ ही धमकी दी कि उसके पास उसकी अश्लील वीडियो है, अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो वह वीडियो को वायरल कर उसे बदनाम कर देगा। नाबालिग के पिता ने बताया कि इस घटना के बाद से उनकी बेटी तनाव में थी। 22 जुलाई को उसने अपनी मां को पूरी हकीकत बताई। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपित क्रंचू चौहान पुत्र समरपाल सिंह निवासी गली नंबर 8 घुमाने वाला श्यामपुर ऋषिकेश के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि शुक्रवार को आरोपित क्रंचू चौहान को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। ग्रामीणों ने पौड़ी विधायक का फूका पुतला। देवप्रयाग के कड़ी सौर गांव के लोगों ने अपने विधायक मुकेश कोहली का पुतला फूका। लोग कोहली पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। इसके खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि रेलवे लाइन के लिए जमीन देने के बाद भी उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। नौकरी का वादा भी ठंडे बस्ते में है। विधायक कोहली उनकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। ग्रामीणों का कह रहा है कि मुआवजा और नौकरी मांगने पर हमें डराया जा रहा है। प्रशासन 1 साल से उनकी मांग पूरी करने के लिए समय बढ़ाता जा रहा है।
रुद्रपुर में मुख्यमंत्री का रोड शो हुआ शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रुद्रपुर पहुंचने के बाद रोड शो शुरू हो गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह दिखा। उष्ण वर्षा के बाद आतिशबाजी भी की गई। रोड शो के बाद दोपहर 2 से 4 बजे तक कलेक्ट्रेट में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं दूसरी तरफ सीएम के रुद्रपुर दौरे का किसानों ने विरोध किया। पुलिस हिरासत में लिए गए वन वॉचर की हुई मौत। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के झिन्ना रेंज के राइफल चोरी के मामले में हिरासत में लिए गए एक वन वॉचर की मौत हो गई। युवक के स्वजन ग्रामीणों के साथ कालागढ़ थाने में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि पुलिस ने पूछताछ के नाम पर सोनू की बुरी तरीके से पिटाई की, जिसमें उसकी मौत हो गई। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने गेट तोड़कर युवक का शव लेकर थाने में घुस गए हैं। दूसरी ओर हिरासत के लिए एक और वन वॉचर पुष्णेन्द्र सिंह की भी हालत बिगड़ गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। उत्तराखंड पुलिस ने तय लक्ष्य से ज्यादा किया पौधारोपण। उत्तराखंड पुलिस ने 45 दिनों में तय लक्ष्य से ज्यादा पौधारोपण कर लिया है। विभाग ने ट्विटर के माध्यम से बताया कि पर्यावरण दिवस से हरेला पर्व तक 1,00,000 पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया था। पर्यावरण सुरक्षा संरक्षण एवं जागरूकता के संदेश के साथ सभी ने चढ़ बढ़ कर प्रतिभाग किया और 1,06,709 पौधे रोपित कर दिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी से मिले गणेश गोदियाल। कांग्रेस ने उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी है। सदन में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में प्रीतम सिंह रहेंगे। वहीं प्रदेश में पार्टी की कमान गणेश गोदियाल संभालेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद गणेश गोदियाल ने पहली बार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की और उन्हें मोमेंटो के रूप में एक पौधा भी भेंट दिया। इस दौरान उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव भी मौजूद रहे। बद्रीनाथ धाम में नमाज मामले ने पकड़ा तूल। 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। बद्रीनाथ धाम में ईद की नमाज पढ़ने के मामले में पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है। इस मामले में ठेकेदार समेत 15 लोगों के खिलाफ डीएम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। टिहरी ग्रामीणों संघ धरने में डटे रहे पूर्व मंत्री का शासन प्रशासन बना बीआरओ की कठपुतली। ऑल वेदर रोड के डंपिंग जोन से डौर और तानगला गांव में मलबा घुसने से ग्रामीणों में खासा रोष है। गुस्साए ग्रामीण और पूर्व मंत्री दिनेश धनक ने मौके पर पहुंचकर धने पर बैठ। इस दौरान पूर्व मंत्री दिनेश धना ने कहा कि बरसात के कारण मलबा गांव तक पहुंचा है और अलग अलग स्थानों पर मलबा डालने से स्थानीय लोगों को नुकसान हो रहा है। वहीं पूर्व मंत्री लोगों की इस मांग को देखते हुए देर रात तक धने पर डटे रहे। हरिद्वार रोशनाबाद और औरंगाबाद में कई मेडिकल स्टोर पर छापा, मचा हड़कंप। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने रोशनाबाद खाला टीरा और औरंगाबाद में अवैध रूप से संचालित हो रहे मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ छापेमारी कर कार्रवाई की। इस दौरान औरंगाबाद सहित कई क्षेत्रों के मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच गया। राइफल चोरी का था आरोप, अब पुलिस हिरासत में मौत, गुस्साए परिजन। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के झिन्ना रेंज में राइफल चोरी के मामले में हिरासत में लिए गए एक युवक की मौत। युवक की मौत से गुस्साए परिजनों ने ग्रामीणों के साथ कालागढ़ थाने में प्रदर्शन किया। साथ ही पुलिस पर युवक से मारपीट कर हत्या का आरोप लगाया। सीएम ने बढ़ाया था गेस्ट टीचरों का मानदेय, निदेशक ने 2 महीने का वेतन वापस मांगा। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हाल में एक कैबिनेट बैठक में अतिथि शिक्षकों का वेतन बढ़ाने की घोषणा की थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने बढ़े हुए वेतन का शासनादेश जारी होने से पहले ही कोविड काल के 2 महीनों का वेतन वापस लेने का फरमान जारी कर अतिथि शिक्षकों का आक्रोश बढ़ा दिया है। जसपुर वासियों को जल्द मिलेगी रोडवेज बस अड्डे की सौगात, शुरू हुई कवायद। भाजपा के वरिष्ठ नेता विनय रोहिला ने अपने घर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जसपुर में रोडवेज बस स्टैंड बनाने की कवायद शुरू हो गई है, इसका निर्माण शीघ्र ही करा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जसपुर में बस स्टैंड बनाने के लिए शासन की ओर से 0.563 हेक्टेयर भूमि परिवहन विभाग के लिए स्वीकृत भी की गई है। देवस्थानम बोर्ड विवाद, सीएम की घोषणा के बाद तीर्थ पुरोहित खुश, आंदोलन स्थगित। सीएम पुष्कर सिंह धामी के देवस्थानम बोर्ड एक्ट की नियमावली में संशोधन किए जाने के बयान के बाद तीर्थ पुरोहितों ने केदारनाथ धाम में जारी आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया है। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि सीएम ने जो घोषणा बोर्ड को लेकर की है उस पर 1 माह के भीतर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं किया गया तो तीर्थ पुरोहित समाज 1 सितम्बर को जिला मुख्यालय में विशाल प्रदर्शन करेगा। 27 जुलाई से शुरू होगा वन आरक्षी के लिए फिजिकल टेस्ट।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आगामी 27 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक वन आरक्षी पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने बताया कि जहां देहरादून के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में, वहीं हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चुना गया। दोनों ही स्टेडियमों में सुबह 9:30 बजे से पहले पहुंचकर अभ्यर्थियों को अपना पंजीकरण कराना होगा। उसके बाद आने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। युवती से हरिद्वार में रेप, दिल्ली में दर्ज हुई FIR। दिल्ली की युवती से हरिद्वार में रेप का मामला सामने आया है। दिल्ली में युवती की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। घटनास्थल हरिद्वार का होने के कारण मामले को हरिद्वार ट्रांसफर कर दिया गया है। आरोप है कि शादीशुदा व्यक्ति ने युवती को शादी का झांसा देकर दिल्ली से हरिद्वार लाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। हरिद्वार पुलिस ने मामले की जांच में जुटी है। नई दिल्ली के थाना मोहन नगर गार्डन निवासी युवती ने कहा कि वह वीरेंद्र नगर में काम करती थी। उसकी मुलाकात नितिन कुमार निवासी सुशीला गार्डन नई दिल्ली से हुई। नितिन ने 3 मार्च 2020 को उसे राजीव चौक पर बुलाया और कहा कि उसके घर वाले शादी के लिए लड़की देख रहे हैं। युवती ने 12 मार्च को नितिन से शादी करने के लिए हाँ कर। युवती ने कहा कि नितिन ने उसे मेरठ स्थित अपने किसी परिचित से मिलवाने की बात कही। 15 मार्च को कार से वह दिल्ली से मेरठ के लिए निकले। आरोप है कि नितिन युवती को मेरठ के बजाय हरिद्वार लेकर आ गया। युवती के मुताबिक हरिद्वार आने पर उसकी तबीयत खराब हो गई। नितिन ने दवा लाकर दी, दवा खाने से उसे नींद आ गई। आरोप है कि नितिन ने उसे नशीली दवाई खिलाकर दुष्कर्म किया। युवती के मुताबिक नितिन पहले से ही शादीशुदा है। नगर कोतवाल राजेश शाह ने बताया कि दिल्ली पुलिस में युवती ने शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली से केस हरिद्वार ट्रांसफर हुआ है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।